नॉर्मली सिखों में जो अगला ग्रुप है उसको चै ग्रुप या चै समूह बोलते हैं या चै वग बोलते हैं, क्योंकि ये चै से आरंभ होता है और ये पे खत्म होता है जो याण वाला ये है। तो ये चै छै जय झै ये, या इसको यह बोलते हैं, यह करके थोड़ा सा आता है। इसमें न की भी आवाज़ मिली होती है, यह और न की दोनों की संयुक्त आवाज़ इसमें होती है, इसको यह बोलते हैं। जैसे पैया सैया, तो उसमें जो यह है उसमें न की आवाज़ मिली हुई होती है, तो ये संयुक्त थोड़ी सी आवाज़ देता है। चै जो होता है इसका मतलब होता है और तब या और, जहाँ चै शब्द आता है इसका मतलब और में आता है, जो दो सेंटेंस को जोड़ने में या दो जो वर्ड हैं उनको जोड़ने में काम आता है। आपने बुद्ध वंदना के अंदर बहुत बार सुना होगा जब वो कहते हैं ये च बुद्धा अतीता चे, ये च बुद्धा अनागता, पचुपन्ना चे ये बुद्धा अहंग बंदामी सबदा। यानी इसमें जितनी बार भी चे आता है इसका मतलब और है। ये च बुद्धा यानी कि जो ये बुद्ध हैं या जो और बुद्ध हैं, इस तरह से चे का मतलब यहाँ आता है। चे का मतलब और तब और अब होता है, और छह के बाद में जो छह है वो सातवां, छह और जय आठवां, झ जो होता है वो नवा, और ये जो होता है वो दसवां व्यंजन होता है। इनको तालुज व्यंजन बोलते हैं। तालुज का मतलब है कि ये तालवे से आवाज आते हैं, जो जीभ के नीचे का तालवा जिसको बोलते हैं, सारी आवाज वहां से आती है। अगर इसको आप फ्लो में बोलेंगे तो तय थे जय झ ऐसे करके आवाज़ आती है, और एक साथ ही तय और तालवे के बीच में जीभ हिलती है, आप ध्यान देंगे, जो मैंने पहली वीडियो में बनाया था। अगला जो ग्रुप है वो बोलते हैं उसको टै वग, यानी टै से आरंभ होता है और ये पांच ही अक्षर होते हैं, पांच अक्षर होते हैं। इसको हम अगर ध्यान से देखेंगे तो दांत और तालुज के बीच में, दांत और तालुज के बीच में ये आवाज़ आती है। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं रेट्रोफ्लेक्स सेरेब्रल, और पाली में इसको बोलेंगे मूर्धज, और अगर संस्कृत भाषा में कहेंगे तो होगा मूर्धज। तो मूर्धज या मूर्धज, ये टै से आरंभ होता है। आप अगर ध्यान देंगे तो टै ठै ढै, यानी जो डाल वाला ढै होता है, टै ठै ढै, ढै और ढै, ढै ढक्कन वाला और ढै राणा वाला, रण वाला, यानी कि ये जो आवाज़ आती हैं ये सब आप अगर जीभ को देखेंगे कहाँ चिपकती है, तो वो तालुज के बीच में आती है, इसलिए बोलते हैं। इसमें किसी भी शब्द का अकेले अक्षर का कोई भी मीनिंग नहीं होता, यानी जो अक्षर हैं उसमें पहला कोई भी अक्षर का मीनिंग पाली के अंदर नहीं होता। एक खास बात इसके अंदर है कि जो टै ग्रुप है यानी जो टै वग है, उसके मुश्किल से तीन चार पाँच शब्द पाली में हैं, बस तीन चार पाँच, यानी कि जैसे टीका है या टीकाचार्य है, ये दो चार शब्द इससे मिलकर बने हुए हैं, अदरवाइज इसके अंदर कोई भी शब्द यानी कोई भी शब्द इसके अंदर नहीं है। इसी प्रकार जो ठे है, ठे अक्षर से 18-20 शब्द कुल मिले हुए होते हैं, यानी टै से कुल तीन चार हैं और ठे से 18-20 शब्द हैं और डै से 9-10 हैं, 10-12 शब्द हैं। तो टै ठै डै के कुल मिला के 30 के करीब में लगभग शब्द हैं जो पाली के अंदर हैं, बाकी इनसे मिलने वाले और शब्द हैं जो बनते हैं। और जो डै और ढै है, डै और ढै है, इससे कोई शब्द नहीं बनता, यानी ढै से और ढै से कोई शब्द स्टार्ट ही नहीं होता, कोई आरंभ नहीं होता, इसलिए पाली भाषा की डिक्शनरी में या पाली भाषा में इनसे बनता हुआ कोई शब्द आपको मिलेगा ही नहीं। ये जो टै वग है, टै वग में पांच वग होते हैं और ये 11वां से लेके 11, 12, 13, 14 और 15वां तक ये काउंट होता है, यानी कि व्यंजन इसमें पांच आते हैं। इसके बाद जो चौथा वग आता है वो तय वग आता है। तय वग वो दंत है यानी डेंटल बोलते हैं। इसमें सारी आवाज़ दांतों के बीच से निकलती है। ये तय से आरंभ होता है, तय थे दे धे ने, तय थे दे धे ने, तय से आरंभ होता है। मगर तय जो है वो अकेला अक्षर ही बहुत भारी पड़ता है पूरी पाली में, क्योंकि तय का मतलब होता है वह। तय जो शब्द है वो सर्वनाम में यानी प्रोनाउन में इस्तेमाल होता है, सब नाम में इस्तेमाल होता है। कैसे? क्योंकि तय माने जो पुरुषवाचक है वह, उसको भी बोलते हैं। कोई अगर महिला है तो वह तय का मतलब उसका भी होता है, और तय माने कोई वस्तु है तो उसको भी तय करके बोला जाता है। इसके बहुत सारे रूप हैं,
अगर आप ध्यान से देखेंगे या जानेंगे तो आपने देखा होगा कि तैसे हम कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं सारी भाषाओं में। जैसे कहते हैं तोहार, तोहरी, तेरी, तेरा, तैने, तूने, तुमको, तुम्ही, तुम्हारा, तुम्हें, तुम, तू, ते, ताई, ताया, ताए, तेसंग, तेसानंग, तस्से, ये सारे जितने भी शब्द हैं पूरे जहाँ जहाँ भी तैसे संबंधित है, आप देखेंगे कि हम किसी ना किसी को बोलते हैं। तू कहाँ गया, तेरा क्या है, तेरो का है, तू वहाँ जइयो, ताई को दे दे, तोकू दे दे, तोकू दे मैं का, तू कौन है, ये तेरे, तेरे, ताएं, तुई, ये सारे शब्द तैसे बनते हैं। तय में ई लगाएं या ऊ लगाएं या ए लगाएं, ये सारे शब्द तैसे बनते हैं और ये किसी के सामने वाले के लिए सर्वनाम में इस्तेमाल होते हैं वह के लिए। इसलिए जो इसका पहला शब्द है वो तय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बड़े सारे रूप पूरे जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं। थे, दे, धे, यानी जो थे है वो 17वां है, दे है वो 18वां है और जो धे है वो 19वां है। उसके बाद में आता है ने, जो 20वां है। ने का मतलब होता है नहीं, यानी कि जो निगेटिव मीन है ने का मतलब नहीं या ने या ना, ये मतलब आता है ने का। इस प्रकार ये तय ग्रुप, तय वर्ग पूरा पूरा समाप्त हो जाता है जो दांत से आता है। तय, थे, दे, धे, ने, सारे दांत से बनते हैं। फिर आता है 5वां ग्रुप, यानी पै बग। पै बग में भी 5 ही अक्षर होते हैं, पै, फे, बे, भे, मे। पै, फे, बे, भे, मे, ये 21 से लेके और 25वें हैं। इनको ओठज बोलते हैं। ओठज का मतलब है ओष्टज, यानी कि होठ से बोलने वाले। इनमें अगर आप ध्यान देंगे तो सारी आवाज होठ से निकलती है। पै, फे, बे, भे, मे, सारी आवाज इसमें होठ से निकलती है, होठ बंद करने पड़ते हैं। इसलिए इसको वग को ओठज वग या ओठज या लेबियल, लेबियल बोलते हैं और सारी आवाज इसमें होठ से पैदा होती है। इसके बाद आता है, क्योंकि टोटल जो ये अक्षर हैं ये 33 हैं, 25 लगभग 5 पूरे हो चुके हैं पै बग तक। उसके बाद में आता है स्कैटर्ड, यानी पकीर्णन। ये जो पकीर्णक आता है, पकीर्णन, इसको पकीर्णन बोलते हैं इसको जो संस्कृत भाषा में है, और पकीर्णक बोलते हैं इसको पाली भाषा में। पकीर्णक का मतलब है स्कैटर्ड, यानी बिखरा हुआ चारों तरफ। ये 8 शब्द हैं इस पाली भाषा के, जो अंतिम अक्षर आते हैं। 8 अक्षर हैं। क्या हैं 8 अक्षर? ये, रे, ले, वे, से, हे, रे, लड़े और अंग। ये, रे, ले, वे, से, हे, लड़े, अंग। ये 26वां अक्षर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट आता है। जैसे अभी मैंने तय बताया आपको, तय में सर्वनाम आता है, वैसे ही जो ये है ये सर्वनाम में इस्तेमाल होता है। जो अंग्रेजी में हम कहते हैं हु, व्हाट, व्हेन, वेयर की जगह ये 26वां अक्षर है, ये को हम सर्वनाम की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कौन है, या जो कौन है, या जो क्या है, या कैसे है, वहाँ करके आता है। अभी मैंने आपको जैसे बताया था ये चे बुद्धा अतीता, यानी इसमें जो ये है, ये का मतलब है जो, और चे माने और। ये चे बुद्धा अतीता, अतीत में ये जो बुद्धा हैं, इसका मतलब ये सर्वनाम में इस्तेमाल होता है। ये बहुत बार चलेगा और इसके बहुत सारे रूप हैं और ये बहुत सारे तरह से आता है। जैसे कहते हैं याई को दे दे, यू ले गए, यू जा रो है, यू आयो है, या को आए हो, ये जाएंगे, जाए को दे दे, यो करे है। आपने सारी भाषाओं में ये में सर्वनाम देखा होगा कैसे हम यूज करते हैं। या को दे दे, यू आयो है, ये करेंगे, या ये दे दे, यू ही तेरो है। तो ये जितने भी ये वाले शब्द हैं ये सारे सारे सर्वनाम में इस्तेमाल होते हैं। कुछ मैं आपको यहाँ बताता हूँ जो इसके रूप हैं। इसके बाद 27वां आएगा रे, 28वां ले, और 29वां आएगा वे। वे का जो इस्तेमाल होता है वो ई में और ए में होता है। ये इसकी शॉर्ट हैंड है। जहाँ भी बीच में वे आ गया, इसका मतलब जैसा या ही, यानी कि
अगर सेंटेंस के बीच में पाली में अगर वे आ जाता है तो वे का मतलब या तो ईव है या एव है। जैसा और ही की जगह पाली के अंदर वे का इस्तेमाल किया जाता है, कई बार ये अपोस्ट्रोफी के साथ भी यानी कोमा के साथ भी इस्तेमाल होता है, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। पाली का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो अक्षर है वो है से। से के सबसे ज़्यादा शब्द हैं। से 30वां व्यंजन है। से का जो अपना मतलब है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। दरअसल पाली में सबसे ज़्यादा जो शब्द हैं और किसी भाषा में से होते हैं, क्योंकि पाली में श तो होता नहीं, तो दोनों का मिला के यही से है। से का अकेले का मतलब होता है निज, यानी कि माई सेल्फ, मैं, यानी कि मैं खुद अपने आप को अगर बोलूँगा निज को, अपने आप को, माई सेल्फ को, तो इसको खाली से करके बोल दूँगा। इसलिए आपने एक शब्द सुना होगा संसार। संसार का मतलब सहसार होता है। सहसार का मतलब है मेरे निज का सार, यानी मेरे निज के अंदर जो है उसको संसार बोलते हैं। क्योंकि जो वर्ड है, वर्ल्ड को बोलते हैं, दुनिया को बोलते हैं यहाँ पर लोक, और इही लोक को बोलते हैं, लोक को बोलते हैं शरीर को, यानी कि जो ये हमारा शरीर है इसको बोलते हैं इही लोक, और इससे परे जितने भी हो जाएंगे उसको परलोक बोलेंगे। तो यहाँ संसार को परलोक बोला जाता है, और संसार का मतलब होता है निज और स्वयं। जब भी से लगेगा, से के दो मतलब आएंगे। एक से का मतलब होता है प्राउन, जो एक से का मतलब होता है प्रनाउन यानी सर्वनाम। सर्वनाम से वो है में आता है, वह में आता है, और एक होता है निज। दोनों का लगभग एक है, इसलिए पाली में जब भी से लगे आप थोड़ा ध्यान दें, से का मतलब निज होता है, और निज से पाली के सारे शब्द पूरी तरह से बदल जाते हैं। यानी हिंदी में जो सह का मतलब है वो पाली में नहीं है, जो पाली में सह का मतलब है वो हिंदी में नहीं है। इसलिए केयरफुल रहें, सावधान रहें कि अगर किसी शब्द से पहले सह आता है तो सह को निज लगा के देखें, सह को वह लगा के देखें, उसके बाद बाकी शब्द का अर्थ निकालेंगे तो आपको पाली एकदम शीशे की तरह साफ दिखाई देगी। मगर अगर आप संस्कृत भाषा की तरह अगर से है, क्योंकि से का मतलब वहाँ पे साथ का होता है, से का, इसलिए से को अगर वहाँ से लगा देंगे तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। से सबसे ज़्यादा शब्द रखता है, और से का मतलब पाली के अंदर निज और स्वयं होता है या वह होता है। ने का मतलब, से का मतलब साथ नहीं होता। इसके बाद तीन शब्द और बचते हैं। एक है बचता है जो 31वां व्यंजन है, और उसके बाद बसता है ले और ये वाला यानी ले। 32वां जो व्यंजन है वो बड़े कमाल का है, जिसको हम कह सकते हैं जैसे हम बोलते हैं सोड़स। सोड़स में ना ले है और ना ड़े है, मगर दोनों मिक्स हैं। सोड़स का मतलब सोलह होता है बाद में जाके, मगर सोड़स में जो लिखा जाता है वो ले अलग तरह का होता है, उसमें ले और ड़े की आवाज़ मिक्स होती है, इसलिए उसको बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है। सोड़स करके अगर आप समझेंगे तो ये शब्द सोड़स के बीच वाला ले और ड़े कर की आवाज़ देता है। और आखिरा जो शब्द है इसके अंदर, आखिरा जो अक्षर है वो है निग्गहित। निग्गहित सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और निग्गहित पूरी पाली का सिग्नेचर है। जैसे मेरा नाम है सुधीर, अगर मैं इसमें निग्गहित लगा देता हूँ, निग्गहित का मतलब जैसे आप नीचे देख रहे हैं अंक की बिंदी ऊपर लगी हुई है। संस्कृत भाषा में अंक की बिंदी अगर सबसे लास्ट में लगी है तो उसका बोलेंगे सुधीरन, न की आवाज़ देगा वो, अनुस्वर की आवाज़ देगा। और अगर उसमें लास्ट में बिंदी लगी है तो पाली में वो देगा अंग की आवाज़, सुधी रंग। यही अंतर है जो पाली को और बाकी भाषा में डिफरेंस को क्लियर करता है। जब लास्ट में बिंदी होती है तो वो हमेशा पाली के अंदर अंग बोली जाती है, और संस्कृत भाषा में न बोली जाती है। एक सुधीरन हो गया और एक सुधी रंग हो गया, एक बुद्धम हो गया और एक हो गया बुद्धंग, उसमें मकर आता है। अब पाली की जो विशेष बातें हैं वो एक बार जान लें तो पाली की ये जो वर्णमाला है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी आपको। पाली वर्णमाला की विशेष बातें, रे ढे ढक्कन, रण वाला रे और सोड़स वाला ले उड़े और निग्गहित, ये जो पांच अक्षर हैं इनसे कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता, कोई भी शब्द इनसे स्टार्ट नहीं होता, यानी ये कोई शब्द नहीं बनाते पाली के अंदर, ये हमेशा बीच में इस्तेमाल होते हैं। शे षटकोण, शे शरीफा या सलजम वाला, गे ज्ञानी, ऋतु ऋषि वाला रे, या ऋषि में जो है लगाते हैं, या त्रय या लय,
या ए या ओ। ए ए ओ का मतलब है जिसमें दो मात्राएं हैं, जैसे औरत वाला है या वैर वाला है, वैर में जो दो मात्राएं लगती हैं। हलंत, विसर्ग या मकार, मकार बोलते हैं जो बाद में, जैसे हम कहते हैं बुद्धम शरणम, जो बाद में मैं लगाते हैं उसको मकार बोलते हैं। हलंत जो बीच में आता है उसको हलंत बोलते हैं, जो आधा शब्द की तरह इस्तेमाल होता है। और विसर्ग आप जानते हैं, जैसे अथे के बाद जो लगता है या एतवे के बाद जो लगता है उसको हलंत बोलते हैं। आधा, रे और चांद बिंदु, ये जो भी मैंने बताया है इनका पाली में कहीं उपयोग नहीं है। अगर ये कहीं आपको लिखे हुए दिखाई दे जाएं तो वो पाली भाषा नहीं है, पाली में ये नहीं मिलते, और ये पाली की खास तौर से पहचान है। पाली बहुत सरल और सिंपल भाषा है, इसलिए इतनी सारी चीज़ें जो बाद में संस्कृत भाषा करके मॉडिफाइड करके ऐड की गए पाली के अंदर, वो पाली को डिस्टिंग्विश यानी बिल्कुल अलग करते हैं, बताते हैं कि ये पाली का है या नहीं है। आठ शब्द जो हैं इसके अंदर, जो आठ अक्षर हैं, आठ अक्षरों का अर्थ निकल के आता है। जैसे दो सर के अंदर हैं, सरा के अंदर हैं, ए और आ। ए अगर लगा देते हैं तो ए का मतलब हो जाता है नहीं, और आ लगा देते हैं तो उसका मतलब बदल देता है। के का मतलब जो आता है वो इंटरोगेटिव है, कैसे सारे प्रश्नवाचक बनते हैं। खे का मतलब जो आता है वो आता है शून्य, यानी कि कुछ नहीं है। खे माने बिल्कुल खाली है, आकाश भी इसको बोलते हैं। चे माने हैं जब या और तब, चे का मतलब और में आता है, और तब या जब, चे हो गया। और ते का मतलब होता है तू, तेरा, तेरे, तुम्हारी, ताई, तुई, ताया, ये सब जो सर्वनाम आते हैं वो ते में आते हैं। और जो ये में आते हैं वो सारे के सारे ये इस ये यो याइकू ये सारे सारे सर्वनाम में आते हैं जो मैंने आपको बताए। और सबसे आखिर जो इम्पोर्टेंट है वो सह है। सह का मतलब होता है निज, माई सेल्फ, स्वयं। ये पूरा का पूरा पाली की जो वर्णमाला है ये बिल्कुल क्लियर है। इसमें जो स्वर हैं उनमें ए में सबसे ज़्यादा वर्ड होते हैं, और जो व्यंजन हैं, वोवल्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉन्सोनेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा सह के शब्द होते हैं। यानी ए और सह सबसे बड़े वग हैं अक्षर के, जिनमें सबसे ज़्यादा शब्द बनते हैं। पाली बहुत सिंपल भाषा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो लगभग पाली है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पाली आपको समझ में आती चली जाएगी। वर्णमाला में अगर कोई दिक्कत हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में जाके उसका जवाब आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।